आज की इस वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं हमारे अपने शहर बनारस में। बनारस तेरी नजरों से इश्क है हमें, हर बार तेरी झलक पहली बार ही लगती है। आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो पर। मैं विशाल अब आपको ले जाऊंगा वाराणसी की शहर पर, मेरी नजरों से मेरी गलियों पे, जो कि बनारस सिर्फ महादेव की नगरी नहीं, बनारस महादेव के भक्तों का शहर है। वैसे तो बनारस काफ़ी चीज़ों से फेमस है, अब चाहे वो वर्ल्ड फेमस पूरे बनारस में ही सिर्फ मिलने वाला मलइयों हो, मलइयों के लिए मैं खुद भी काफ़ी एक्साइटेड था, या फिर वो मणिकर्णिका घाट हो, या फिर वो मलाई टोस्ट और चाय हो, या फिर काशी चाट के पालक टोमेटो चाट, या फिर आलू टिक्की चाट, इन सभी चीजों से वाराणसी बहुत फेमस है। तो आओ चलो मैं आपको लेके चलता हूँ वाराणसी की गलियों पर। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पहलवान लस्सी और यहाँ पे हम लोग हैं भैया केसरिया दूध। केसरिया दूध बहुत ही मस्त खुशबू आ रहा है भैया। पहलवान लस्सी, वेलकम काशी एंड वेलकम पहलवान लस्सी। पहलवान लस्सी वैरायटी आप लस्सी खाओ मार भूल जाएगा गाल। क्या बात क्या बात। ये रहा मलइयो, मलइयो जिसको खाए किशन करइयो, और फीडबैक जरूर दियो। हाँ एकदम एकदम। तो गाइस ये मलइयो बन चुका है और भैया का अंदाज आप देख सकते हैं कितना क्रेजी अंदाज था भाई, मजा ही आ गया। ये रहा मलइयो, आपका मेहमान नवाजी बहुत बढ़िया है। क्या बात है, ये काशी है, यहाँ पर अतिथियों का स्वागत दिल से किया जाता है। सही बात है, बहुत ही गजब लग रहा है भाई, क्या बोलना भाई, देख के तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। सही एकदम सही वर्ड यूज़ किया, एकदम सही वर्ड, पकड़ इसको। तो गाइस अभी हम लोग टेस्ट करते हैं बातें कैसा है। तो गाइस फर्स्ट मलाई को टेस्ट कर रहा हूँ मैं, बहुत सेक्सी है, मज़ेदार मज़ेदार, बहुत सेक्सी है भाई, टेस्ट करो भाई मज़ेदार। आने के बाद दूध मिलेगा। अच्छा आने के बाद दूध मिलेगा, दूध भी पीना होगा, दूध पियो कसरत करो, दूध पियो कसरत करो, नित्य करो हरि नाम, हरि नाम, और मन लगा के विद्या पढ़ो पूर्ण होंगे सब काम। क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत स्वाद है बहुत स्वाद है मज़ेदार। अब चिराग तू खाया भाई कैसे पहले? हाँ भाई कहीं मिलता ही नहीं है, बहुत टेस्टी भाई बहुत स्वाद है। इतना मेला अलग ही चीज़ है, अलग ही चीज़ है, आज तक पहले खाया ही नहीं है, सिर्फ वाराणसी में ये मिल सकता है, सिर्फ वाराणसी में, क्रेजी। टेस्ट करो क्रेजी, शानदार टेस्ट, शानदार टेस्ट करो, स्वाद आ गया ना भाई, बहुत सेक्सी है गाइस, मस्ट रेकमेंड चीज़ है। तो गाइस अब दूध आ चुका है, हम लोग दूध का बता रहे कैसा है, बताओ भाई कैसा है। हाँ बहुत मस्त है, एक बार में पी जाएगा, स्माइल बता रहे हैं कितना क्रेजी होने वाला है ये, कहीं नहीं मिलेगा, ओनली एट पहलवान लस्सी यहीं मिलेगा आपको बेस्ट। पूरा मन खुश हो गया भाई, मन खुश हो गया, ठंडा है बोला गरम होगा, क्रेजी लेवल चीज है भाई, कुछ बोलने का जरूरत नहीं, क्रेजी लेवल चीज है भाई, क्रेजी लेवल चीज है। निशान के लिए बचाना है क्या? तुम बोलो, निशान वहां बहुत गुस्सा होगा उसके, नहीं मिलेगा सर, एक बार में निशान पक्का बोलने वाला कि एक और बनाओ बोलने भाई भाई नेक्स्ट लेवल चीज है भाई, नेक्स्ट लेवल चीज़। भैया दिल खुश हो गया, एक फीडबैक अभी इधर देता हूँ,
बनारस है, यहाँ दूध लीटर पे नहीं मीटर पे मिलता है। आपको कितने मीटर दूध चाहिए? तो गाइस अब जो आए वो और एक शानदार और बहुत फेमस जगह है, पीएम मोदी। पीएम मोदी को कौन नहीं जानता। सो गाइस वो भी यहाँ पे केशव यहाँ भंडार में यहाँ पे वो भी आके पान खाए थे। तो अभी हम लोग यहीं पे आ गए और यहाँ पे पान खाने वाले हैं। ब्रो क्या हो गया देखो भाई, ये तो निशान का फेवरेट जगह भाई। निशान बहुत पान खाता है क्या ब्रो? कभी कभार ओकेशनली खाता होगा। विमल जुबा केसरी। तो गाइस अभी यहाँ पे आ गए भाई। तो बोला मोदी जी आए हैं यहाँ पे। हाँ भाई मोदी जी का पान खाना है, मतलब बहुत फेमस है ये। बहुत तो लिखा हुआ स्टैब्लिश, कितना लिखा हुआ स्टैब्लिश? 1966। बाप रे बाप, बहुत पाना। ठीक है गाइस चलिए अब चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। गाइस आ गए भिजवा दें उसको गाड़ी। ये सब तांबूल भंडार जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन जन है यार। मेरा जितना भी काम भी कराएंगे यार। बोलो बोलो कौन सा देना है? बनारसी पान है। बनारसी पान, बनारसी मीठा पान खाएंगे। हाँ आप बनारसी मीठा पान खाएंगे? ये तो आप बताइए कौन सा है आपका फेवरेट। आप कुल्कन का मीठा पान खाएंगे? कुल्कन वही बनारसी। हाँ मीठा, वो मीठा पान बनाइए। मेरा तो मीठा पान ही चाहिए। कट हो देना है तीन दो। क्या क्या डाल ले बताइए ना। कत्था है, कत्था है, सुना है। हम सुना कि मोदी जी यहाँ पे आके पान खाए थे। सही बात है ये। तो क्या बात की थी मोदी जी आपसे? कुछ बात की है? क्या इंटरेक्शन हुआ होगा आपका? 13 दिसंबर 21 में आए थे। अच्छा ये दिन काशी विश्वनाथ का उद्घाटन किया। अच्छा रोड का उद्घाटन किया। अच्छा कस्टमर के रूप में आए थे, पान खाए। हाँ। और हाल चाल लिए गए। सही है। उन्होंने कहा कि हमारी काशी ठीक ठाक चल रही है, हमारा गांव। हाँ। हम लोग बोले आपके गांव में हम लोग बस गए। सही बात। अरे पार्ले में नहीं आ रहा, पार्ले में ये सब बना के तो बुलाएंगे तो नहीं आएगा। ये क्या डाल दें? ये सब मसाला है, मसाला है। ये चमन बाहर इसको लोग बोलते हैं। अच्छा क्या हुआ बना रहे हैं? ये एक विशेष मसाला डाल रहे हैं। अच्छा इसका नाम है शंकर कम्बू। अच्छा खाने के बाद जो है एकदम भोलेनाथ की तरह आनंद आता है। हर महादेव। हाँ गुलकंद है। मतलब वाराणसी में सब ऐतिहासिक ऐतिहासिक चीज़ है, मतलब अलग ही शहर है। मतलब अलग ही शहर है, मतलब एकदम खूबसूरत है, मज़ा आ गया। मतलब भोलेनाथ का जो कम नगरी है। हाँ और यहाँ सब किनारा में समझो ना। सही बोल रहे हैं, सब उन्हीं के कारण है। जो बनारस की जो धरती में जो तो भोलेनाथ के शरण में बना हुआ है और जो जानता है कि उन्हीं के शरण में जाना भी है। तो गाइस आ गए हम लोग का पान। बगल में विश्वनाथ का डोर है, बगल में पे ये मीठा पान टेस्ट करो ही करो। और यहाँ पे मोदी का भी है, बहुत सेक्सी है, रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आके आप ये ट्राई करो मीठा पान। मीठा पान का प्राइस क्या भैया? कितने का प्राइस है? 25 रुपीज़ का है। यहाँ पे आके पक्का से खाओ, स्वाद आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा।
गाइस अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो यहाँ का अल्टीमेट चीज़ है जो आपको ट्राई करना ही चाहिए। एंड मैं तीन चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड था, एक था मलैयों के लिए, दूसरा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, और तीसरा इज दिस चाट। मतलब ये इतना फेमस है भाई, कौन सा चाट वाला बता दो? काशी चाट सेंटर भाई। काशी चाट सेंटर मतलब अल्टीमेट। तो गाइस ये देखिए काशी चाट भंडार, यहाँ पे इतना भीड़ है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हुआ होगा अभी खुले हुए, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं। अभी देखते हैं अपने कितना फ्लेवर है अपने यहाँ पे, फ्लेवर्स क्या मतलब कितने टाइप के चाट खा पाएंगे। सो भीड़ देखिए, ये होता है डिमांड, ये होता है ब्रांड वैल्यू गाइस, ये होता है ब्रांड वैल्यू, मतलब ये ब्रांड वैल्यू है भाई, क्रेजी। मतलब चल पहले पालक वाला ऑर्डर करते हैं ब्रो। तो गाइस अभी यहाँ पे इतना भीड़ है, बट हम लोग फाइनली हम लोग को एक आलू वाला मिल गया और एक पालक वाला मिल गया। ये पालक वाला है, ये आलू वाला है। सो हम लोग टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या टेस्ट है इसका। भाई बहुत मेहनत के बाद मिला ये, बहुत भीड़ थी। एक घर चीज है। बहुत एक्सी है, मतलब जितना तारीफ कर दो जितना तारीफ करो उतना कम है, बहुत एक्सी है। मजा आ गया। ये आलू चाट है गाइस, बहुत एक्सी है, ट्राई करो आके, पसंद आएगा ही आएगा। मतलब बहुत भी कैसा लगा बॉस? बढ़िया ना, मतलब ये तो ऑर्डर करना ही करना है। दही भी देख अच्छा है, आप देखने में देख लो कितना टेस्टी है भाई। आप निशान सर ट्राई करेंगे तो गाइस आपको पक्का बोल रहा हूँ कि आलू वाला आप ऑर्डर करो ही करो। चलो तुम पालक वाला ट्राई करो भाई। लाजवाब भाई, अलग ही मतलब से। गाइस मैं बहुत एक्साइटेड था इसके लिए, एंड आप अगर वहाँ से आ रहे हो तो आप भी फर्स्ट थिंग जो आप आओ यही चीज़ खाओ, बहुत सेक्सी है पालक वाला। तो गाइस अब पालक वाला है, ये तो एकदम यूनिक चीज़ है भाई। आलू वाला तो फिर भी खाया हुआ है घर भर में, पालक का पत्ता है, पालक पत्ता है। गाइस ये एक और प्लेट मंगा रहे हो, क्रंची है, क्रंची भी बहुत है और मज़ा भी आ गया, मतलब अलग ही चीज़ है। और पालक का जो टेस्ट होता है ना वो भी आ रहा है। चिराग सर हम लोग बताएंगे। मतलब जस्टिफाइड है इतना भीड़ में खाना, इतना भीड़ में लगे खाना जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है इतना भीड़ में ये लेना। तो गाइस हम लोग टमाटर वाला है और दूसरा जो मंगाते हैं वो फ्लेवर ट्राई करते हैं। तो गाइस जो अल्टीमेट चीज़ है वो ये है टमाटर चाट, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, नेवर कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। सो हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं और ये बहुत मेहनतों के बाद मिला ही अब। सारा चाट का टेस्ट एक दूसरे से अलग है, इसमें एकदम टैंगी फ्लेवर आ रहा है अलग, मतलब उसका ग्रेवी मेनली बेसिकली ग्रेवी हो गया। आई लाइक इट। तो गाइस अब चिराग बताया कैसा? मेरे को तो ओके लगा, बट फर्स्ट टाइम ट्राई करने के हिसाब से बहुत ट्राई करना ही करना है आपको। ये है नहीं सब ग्रेवी है, सिर्फ ग्रेवी है। मतलब टैंगी फ्लेवर आता है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मतलब ओके ओके है। स्पेशल बोल के ऐसा कुछ नहीं था, फर्स्ट टाइम आया तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल टाइप का कुछ नहीं था। बट तो गाइस अभी ये आ गया है, क्या कौन है? मिक्स चाट, मिक्स चाट, दिस इज मिक्स चाट आपके लिए। और 10 मिनट वेट करके आपको बताने के लिए कैसा टेस्ट है।
हाउज इट ब्रदर? काफ़ी सारा फ्लेवर है, बहुत खड़ा रहने के बाद ये मिला है, ट्राई करना चाहिए डिफरेंट, बहुत फ्लेवर, बहुत डिफरेंट फ्लेवर है गाइस, डिफरेंट चीज़ें तो आपको टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, डिफरेंट चीज़ है ये, डिफरेंट टेस्ट करना पड़ेगा। चिराग टेस्ट करो ब्रो, गाइस बहुत डिमांड है भाई, बहुत डिमांड है, मतलब हाइप जो क्रिएट हुआ हुआ है ना यहाँ पे, समोसा है, टिकिया है, समोसा टिकिया, पापड़ी है, पापड़ी पालक वाला भी होगा, मिक्स है, मिक्स चाट है, पहले तीन तो फ्लेवर जो बोले वो मंगा लो, फिर मिक्स चाट वाला मंगा लो, हैवी हैवी। सो गाइस ये टेस्टी बाइट चिराग ले लिया मुंह में, आप बताया कि ये टेस्टी है या नहीं है? टेस्टी तो है। सो अगर किसी को ऑर्डर करना होगा तो करे या नहीं करे ये मिक्स चाट तेरे हिसाब से? करना चाहिए। सो अभी 10, अभी तुम टिकिया चाट ट्राई किया, पालक चाट ट्राई किया, मिक्स चाट ट्राई किया, टोमेटो चाट ट्राई किया और समोसा चाट ट्राई किया, तो उसमें से देखो सबसे बेस्ट क्या लगा? सबसे बेस्ट पालक चाट, पालक चाट सबसे बेस्ट लगा। तो क्या बेस्ट लगा? पालक चाट, पालक चाट बेस्ट लगा। गाइस मेरे को पालक चाट तो बेस्ट लगा ही, मेरे को आलू चाट भी बहुत अच्छा लगा, और अभी मिक्स चाट देखते हैं कैसा लगता है। तो एज ऑलवेज बिग बाइट ले रहा हूँ, सेक्सी है, बंद हो चीज़ तो गजब है भाई, गजब भाई, चीज़ तो अच्छा खिलाया भाई, चीज़ यहाँ पे नहीं। तो गाइस यही था यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ये सब चार आप ट्राई करो करो, बिकॉज डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट फ्लेवर है, और ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, ये आपको यहीं पे मिलेगा सिर्फ एट काशी चाट भंडार। साइनिंग ऑफ गाइस। तो अब हम आ चुके हैं ब्लू लस्सी शॉप वाराणसी, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ की लस्सी आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है, बहुत स्वाद है। तो अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो ब्लू लस्सी शॉप ज़रूर आइएगा। हिंदू यूनिवर्सिटी के पास आके जो समोसा चाट है ये बहुत टेस्टी रहता है, तो ये आपको आके यहाँ पे खाने खाना है। अभी भैया समोसा वहाँ पे तल रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ समोसा तलते हुए, यहाँ पे समोसा तल रहा है, वहाँ समोसा का प्रिपरेशन चल रहा है, तो अभी यहाँ पे समोसा गरम गरम, समोसा का यहाँ पे चाट मिलेगा। भैया भैया सब्जी दिखाइए ना, खत्म हो गया है, से समोसा मिलेगा क्या अभी? से समोसा मिलेगा, समोसा चटनी, अच्छा तो गाइस अभी सब्जी खत्म हो गया, बट यहाँ पे बहुत टेस्टी रहता है, और अभी चटनी है, ये है क्या चटनी? अच्छा सही है। अभी समोसा हम लोग खाए, समोसा तो सेक्सी है लेकिन चटनी और सेक्सी है, चटनी यूनिक है थोड़ा, चटनी सही में बहुत सेक्सी है ना भाई, मुझे बहुत सेक्सी लगा भाई, तो कैसे लगा चटनी? अच्छा लगा। सो गाइस आप लोग यहाँ पे आ रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो आपको समोसा तो खाना ही खाना है, और अभी सब्जी हम लोग नहीं टेस्ट किया, बट सब्जी का भी जो बहुत डिमांड था इसलिए खत्म भी हो गया, सो आप लोग समोसा तो यहाँ पे आके खाना ही। अनदर फेमस स्ट्रीट फूड क्या है वो बताएगा आपको चिराग, बताओ भाई। लक्ष्मी चाय वाला, लक्ष्मी चाय वाला, तो यहाँ पे चाय बहुत फेमस है क्या? चाय बहुत फेमस है और फेमस है। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे चाय और टोस्ट बहुत फेमस है, सो अभी जाके हम लोग दोनों पीते हैं, और एक पीते हैं और एक खाते हैं, और भीड़ आपको यहाँ पे एवरी टाइम बहुत मिलेगा, मतलब ये जो फेमस है ट्रेडमार्क जगह है, भीड़ हमेशा आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। अब आपका लेडीज साथ में बाहर खड़ी है, मक्खन तोड़ने को लगा दे तो कह रहे कर दे, ये टोस्ट बन रहा है, तो ये आ गया है, और ये यहाँ पे टोस्ट वोस्ट बन रहा है। जब हम लोग आ गए हैं लाजवाब मोमो, वहाँ पे मुरी खाए, और ये सच में अभी बहुत मेरे को लग रहा है कि टेस्टी होगी, भैया हम लोग को टेस्ट भी करवाएं, तो आप अभी हम लोग को वेज मोमो आप हाफ दे दो और पनीर मोमो हाफ दे दो। ये क्या भैया? ये वेज है, ये वेज है, ओके, इसमें सारा कैबेज है, अच्छा, ये पनीर है, ओनियन मिक्स है, ओके। क्या टाइम हो गया आपको यहाँ पे बैठते हुए? यहाँ पे हमको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, बढ़िया बढ़िया। टाइमिंग क्या आपका? टाइमिंग हमारा दोपहर में 2 बजे से लेकर रात हाँ 9 बजे तक, और ये सजवान की टाइमिंग है। अच्छा तो
मेयोनीज सेक्सी। तो गाइस एकदम आप मोमो एंजॉय करते हैं, टेस्ट करके बता भाई। गरम गरम है एकदम, बहुत गरम है, देख ले। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं, आराम से खाओ। सो गाइस आफ्टर बहुत मेहनत के बाद ये ठंडा कर दिया है और गरम गरम मोमो ये चटनी के साथ खा रहा है चिराग। और बताइए भाई कैसा है, स्वाद आ गया? मतलब अभी यहाँ पे ठंडी एकदम पूरा ठंड हवा है पूरा अच्छे से और गरम गरम मोमो। तो लाजवाब मोमो में आप आके पनीर मोमो वेज मोमो खाओ। पनीर मोमो अच्छा या फिर ये वाला अच्छा, ये कौन सा खाया तुम अभी? अभी पनीर टेस्ट किया। पनीर कैसा है देखो, पहले तो वो ट्राई कर ही लिया है, तो कौन सा दोनों में वो रिकमेंड करेगा? पनीर, पनीर पनीर बेटर है ना। सो गाइस यहाँ पे ये है, क्या है, कहाँ पे बैठते हो बता दो? राजेंद्र प्रसाद घाट, हाँ, पानी टंकी के ठीक नीचे। पानी टंकी के ठीक नीचे। सो यहाँ पे आके खाओ मोमो, वर्थ इट एकदम।